ये टुकड़ी में ढाल के ले जाएंगे। हो गया है, अचार के साथ ही फिनिश कर पाए हैं। तो एकदम गर्मा गर्म, और यहाँ पे चटनी को भी मैंने अच्छे तरीके से बना दिया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग पे। कल रात से बहुत बारिश दे रही है तो निकल भी नहीं पा रहे। अभी दोपहर से अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और कल बस हम तीनों ही घर पे थे। अभी जो है मम्मी भी आई है और उनका दोस्त भी आया है, तो दीदी उनके लिए प्याज का पकौड़ा बना रही है। सुबह से लेकर पूरा घर के काम कर रही है, छोटे मोटे काम, बर्तन वगैरह माँज रही हूँ, और हम लोग का घर पे कोना कोने पे जो भी गंदगी है वो सब सफा कर दिया है। अभी बस एक तो बाकी है आंगन का, तो वो भी थोड़ा देर बाद सफाई कर लूँगी। अभी सबसे पहले प्याज का पकौड़ा बना लेते हैं। मम्मी भी आ गई है और यहाँ पे उनका दोस्त और दीदी। कल हम लोग बाजार से जो बेसन का पैकेट लेके आए थे, तो यहाँ पे प्याज का पकौड़ा खाएंगे। प्याज कम हो गया, ये देखो बस इतना ही था, तो सब दे देंगे। तो मम्मी प्याज की कटिंग कर रही है और दीदी यहाँ से फूड कलर, ये देखो थोड़ा सा देने से हो जाएगा। और इसमें नमक दिया है, हाँ बस हो जाएगी प्याज और नमक और थोड़ा सा फूड कलर। और हम लोग के पास रिफाइन ऑयल नहीं है, यहाँ से ये मस्टर्ड ऑयल दे दिया है दीदी ने, तो अभी बस इसको होने देते हैं। यहाँ पे मिक्स कर रही है, अभी तक मिक्स नहीं हुआ है। देखो गर्मा गर्म प्याज का पकौड़ा पूरा ये आई का हीरो का जैसा हो गया है ना, क्रिस्पी होने देने। हाँ एकदम मुरमुरा हो गई है, चार पीस एकदम गर्मा गर्म पूरा मुरमुरा। तो अभी इसके लिए मैं यहाँ पे चटनी बनाऊंगी। ये देखो धनिया पत्ता तोड़ के लाई हूँ, अभी इसको जो है एकदम छोटा छोटा करके ऐसे खोटना पड़ेगा। यहाँ पे धनिया पत्ता पीस रहा है, नमक नमक और अभी ये मिर्ची को ग्रीन चिल्ली, ग्रीन चिल्ली, उसके बाद जाएगा लास्ट में नींबू, नींबू लास्ट में वाला। मैंने चटनी को एकदम अच्छे तरीके से पीस दिया है। अभी बस इसको ना सबसे पहले मैं ये कटोरे पे रखूंगी, इसका ऊपर में ऐसे नींबू रस देना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों एकदम गर्मा गर्म, और यहाँ पे चटनी को भी मैंने अच्छे तरीके से बना दिया है। तो टेस्ट करो दीदी कैसा हुआ है, बढ़िया। तो अभी हम चारों नारियाँ खाएंगे, हम भी गर्मा गर्म प्याज का पकौड़ा। चलो मम्मी खाओ, चटनी भी बना दिया है, अभी मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। देखो टेस्टी हुआ है, गर्मा गर्म कैसा लगा मम्मी? बहुत टेस्टी लगा, टेस्टी लगा। हम लोगों ने पकौड़ा भी खा लिया है दोस्तों, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अभी जो है मम्मी और मैं डिनर के लिए हम लोग यहाँ से साग तोड़ेंगे, जीका का साग। और ये जो साग है ना हम लोग थोड़ा रखेंगे और मम्मी का दोस्त के लिए भी दे देंगे, है ना मम्मी? ऐसे ही होता है यहाँ का प्यार, ये देखो ये। हाँ उसका पास सब्जी कम पड़ गया था वहाँ पे, तो हम लोग के पास तो बहुत ज़्यादा ही सब्जियाँ है, ये ग्रीन वेजिटेबल। तो ऐसे होता है, जो भी होता है ना हम लोग दे देते हैं, ऐसे मिल बात के खाना चाहिए। तो अभी बस मम्मी यहाँ पे साग तोड़ रही है मम्मी का बेस्ट फ्रेंड के लिए। देखो मम्मी ने मुझे दे दिया है साग को, और मम्मी अभी भी तोड़ रही है, और उनका जो दोस्त है ना यहाँ पे कहाँ गई, उधर उस साइड में जीगा तोड़ रही है, मिलता है कि नहीं जीगा। अभी साग जो है बहुत ही बड़ा हो गया, जीगा तो लगने वाला है, फूल भी बहुत ज़्यादा है ना मम्मी। ये देखो मम्मी का बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे साग पूरा तोड़ लिया है, सब लेके जाओ। हाँ और बैंगन मिलता है कि नहीं, और स्नैक गार्ड भी मिलेगा। साग तो तोड़ लिया है दोस्तों, अभी स्नैक गार्ड ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है स्नैक गार्ड भी, तो यहाँ से लेके जाना होगा। और यहाँ पे हम लोग का धनिया, देखो स्नैक गार्ड कहाँ गया, नीचे में भी है। इस साइड में भी है देखो, यहाँ पे एक तो है छोटा वाला, पूरा एक बैग मिला है यहाँ पे सब्जी। और ये भी हाँ दे दो, वही
जा रही है मम्मी का दोस्त, तो अभी मम्मी और मैं फिर से हम लोग कद्दू तोड़ने जाएंगे। कद्दू का रेसिपी अलग ही होगा, आज आप लोगों को दिखाने को मिलेगा। तो अभी जाएंगे, पूरा गीला हो गया, अभी छाटा भी लेना पड़ेगा। अभी मम्मी और मैं जाएंगे खेत में, फिर से कद्दू लेके आएंगे, और टाइटल को देख के तो पता ही चलेगा आप लोगों को। रास्ता बहुत खराब है, मम्मी ने एक तो टोकरी भी ले लिया है, और उनका दोस्त जो है वहाँ पे जा रहे हैं, बहुत दूर है उनका घर। तो ऐसे होता है गांव का जिंदगी, जिसके पास भी जो भी होता है ऐसे मिल बांट के खा लेते हैं हम लोग। और मम्मी हम लोग कैसे जाएंगे मिजोरम ऐसा बारिश देने से? बारिश रुकने से जाएगा। बारिश रुकने से तो कैसे जाएगा? इससे ज्यादा बारिश देने से उतना अच्छा भी नहीं लगता है गाड़ी का ऊपर में, सोने से भी कितना सोएगा। और मुझे तो ये मौसम सिकनेस का वो है, तो ज्यादातर खिड़की का साइड में बैठना पड़ता है मुझे, और भूमि भी बहुत होती है। अरे पानी जमा हो गई है, हवा बहुत तेजी से आ रही है। मम्मी और मैं पहुंच चुके हैं खेत पे दोस्तों, बारिश बहुत दे रही है, और पीछे साइड में देखो, यहाँ पे देखो, पूरा जहाँ भी देखो कद्दू का खेती है। यहाँ एक तो मिला है, यहाँ एक तो है। देखो तो अभी यहाँ पे दूनना पड़ेगा कद्दू, आज कद्दू बॉयल खाएंगे, वो भी स्टीम में, डायरेक्ट बॉयल नहीं करेंगे, स्टीम में पकाएंगे। और मिला है हाँ, ये देखो दोस्तों ये वाला ठीक है, ये देखो हाँ बहुत बड़ा है, बड़ा वाला लेके जाएंगे मम्मी, है ना? हाँ वो ठीक होगा, देखो इतना अच्छा है ना वो। और भी मिला है वो, हाँ उस साइड पे रख दिया है, मिला है हाँ, ये यहाँ से ले सकते हैं। हाँ तो ये फूल भी लेके जाएंगे, है ना मम्मी? यहाँ फूल भी बहुत टेस्टी होते हैं, लेके जाएं। बारिश में तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है हाँ, हाँ वहाँ पे एक तो है, ये भी लेगा हाँ लेंगे, ये भी। एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हूँ दोस्तों, और एक हाथ से छाता, तो बस हाँ हो जाएगा मम्मी। हाँ वहाँ पे भी ऑलरेडी रख दिया है, अभी जाएंगे घर। बहुत बारिश दे रही है और हवा भी इतना आ रही है। कद्दू का खेत का बगल में देखो, यहाँ पे भैया लोगों ने अदरक का खेती किया है इस साइड में, ये देखो। अदरक का खेती करने से ना दोस्तों, यहाँ पे इससे लाइन करके देनी पड़ती है, और इसको हम लोग कहते हैं एल, इसमें मिट्टी को ऐसे ऊपर ऊपर में देनी पड़ती है, और इसमें ना एक अलग ही सब्जी निकल आते हैं, फूल, अदरक का फूल निकल आते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। तो जब फूल निकल आएंगे ना, उस टाइम पे मैं वो रेसिपी जरूर दिखाऊंगी, आप लोगों को शेयर करूंगी। तो अभी ज़्यादा बातचीत नहीं, बहुत बारिश दे रही है, मुश्किल है ये बारिश में वीडियो बनाने से भी। ये देखिए ये टुकड़ी में ढल के ले जाएंगे, हाँ देखो बड़ा बहुत भारी हो ना। टुकड़ी को भी ले लिया है दोस्तों, और मम्मी को दिया नहीं क्योंकि रास्ता बहुत खराब है। बस मैं तो थोड़ा स्ट्रांग हूँ, ऐसे लेके जाऊंगी। टोकरी पे सब डाल दिया है, सब कद्दू। हम लोग घर पहुंच चुकी है, अभी बहू तो आगे आगे जा रही है, देखो कद्दू लेके एक टुकड़ी, हाँ बहुत बड़ा बड़ा है, देखो आगे आगे जा रहे हैं बहू, पीछे पीछे हम, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे। पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आग को भी जला दिया है, अभी सबसे पहले गर्म पानी दे देते हैं, गर्म पानी को इसमें देना पड़ेगा। मैंने गर्म पानी को भी दे दिया है, और यहाँ पे छीलने के लिए मम्मी ने ये जुगाड़ भी कर दिया है, अभी इसको ना वॉश करनी पड़ेगी, देखो पूरा मिट्टी लगा हुआ है। हम ये सब नहीं खाएंगे, बस यहाँ से ये वाला काटेंगे, और ये वाला, है ना मम्मी? हाँ हो जाएगी हम लोगों के लिए, बहुत ही टेस्टी होती है। तो अभी फटाफट काम कर लेते हैं, वॉश कर लेती हूँ इसको। वॉश कर लिया है दोस्तों, अभी इसका कटिंग करना पड़ेगा। चलो मम्मी काट दो, मम्मी पूरा बिक गई थी, उस कारण ड्रेस भी चेंज कर दिया है। ये देखो ऐसे जो लाइन लाइन होती है ना, इसमें काटने से इजी होते हैं, इसका सेप भी अच्छे तरीके से निकल आते हैं। ये गंदा नहीं है दोस्तों, ये जन्म से ऐसा है। ये देखो ये देखो
वाह, अभी इसमें कितना पीस निकलेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बाप रे 10 खा सकेंगे फिनिश कर देंगे हम चारों ही है घर पे, सिर पार दूंगा चलो और छोटा करना, हाँ और भी छोटा करने में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। ऐसे इसमें दो लाइन है ना, हाँ दो लाइन ऐसे काटना पड़ेगा। देखो ये जो होता है ना अंदर पे सीट वगैरह रहता है, तो उसको भी ऐसे काट के फेंक देंगे। तो काट दिया है और ये बड़ा हो जाएगा, इसमें और भी एक लाइन ऐसे काटेंगे। बारिश में सबका शकल उड़ा उड़ा है, हाँ मुरझा गया है क्या करेगा, दिन में बिस्तर में लेते हैं फिर उठते हैं और फिल्म वगैरह देखते हैं। आजकल जो है नेट भी नहीं चल रहा है, नहीं चलता है रे बाबा। अंबानी जी देख रहे हैं कि नहीं, हमारे गांव में एक टावर लगा दीजिए ये टाइम पास के लिए। हम लोग ये पहले भी वो प्याज का पकौड़ा खाए थे, अभी कितना घंटा हो गया है ना, अभी इसको ऐसे खात के इसमें दे देगा। चलो दे दो, अभी इसको फिर से वॉश नहीं करेंगे, बस हो जाएगी। ये जब पकेगा ना दोस्तों, इसका ये एकदम मीठा मीठा करके खाएंगे, इसमें पूरा मीट निकल आएगा मीठी मी। देखो मम्मी दे रही, शायद एक कद्दू से हो जाएगा, एक ही से हो जाएगा। हाँ ये वाला रखेंगे, ये सब्जी में काम आएगा, वैसे भी मेहमान आते रहते हैं। और यहाँ पे एक तो 5 है, ये वाला थोड़ा कच्चा है, इसको ना ये हम मिक्स सब्जी में दे देंगे, और इसको तो सिंगल करके पकाएंगे, अभी नहीं कुछ दिनों के बाद, अभी बस इसको स्टीम करके खाएंगे। इतना ज़्यादा ये देखो, हम लोग का स्टीम भी बहुत बढ़ रहा है और इतना ज़्यादा पीस निकला है, ये देखो और भी है इसमें। दीदी फिर से 2 कर रही है, 4, हाँ 4 हो जाएगी। और देखो मेरा गर्म पानी भी उबल रही है, अभी सीधा जाएगा गर्म पानी का ऊपर में। मम्मी का तरह उल्टा पलटा हो गया दोस्तों, तो दीदी ने अच्छे तरीके से सिखा दिया है इसको ना, ऐसे स्टीम होने का टाइम पे इसका साइड साइड में लाइन करके देनी पड़ती है। तो अभी देखो नीचे वाला हिस्सा को ऐसे इसका बैक साइड में ऐसे देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें चमड़ी है तो मोटा है। ये जो पत्ते दे रहे हूँ गैस लीक नहीं होने के लिए, हाँ इसका गैस। बस इसमें बीच में जो है एक छोटा सा होल रखेंगे और यहाँ पे ऐसे पत्ते को देना पड़ेगा साइड साइड में, फिर स्टीम को बिता देंगे। पूरा रेडी है हम लोग का स्टीम, बहुत पानी हो गया, अभी दे देगा। हाँ अभी देखो बिठा दिया है, ये देखो अभी फिर से इसका ऊपर में देना पड़ेगा, जैसे हम लोग ट्रेडिशनल बिस्कुट पकाते हैं ठीक वैसे ही है ना मम्मी। हाँ, इसका गैस बाहर नहीं जाने के लिए, और इसमें एक प्लेट दे देंगे, फिर उसके बाद ये पत्थर को दे देंगे, ये पत्थर को प्लेट जो वो ला। हाँ हो गया है इसका जुगाड़, और पत्थर को दे दो, पत्थर को दे दूँ। ये देखो हो गया, अभी बस इसको 30 तक ऐसे दे देंगे है ना चूल्हे में। हाँ 30 या ये 20 तक ऐसे रखेंगे चूल्हे पे। दे दिया है हम लोग का पम्पकिन, बस इसको पकने देते हैं। और मम्मी जो है यहाँ पे फिर से डिनर की तैयारी कर रहे हैं, ये देखो जो जीका का साग तो रही थी ना यहाँ पे, अब इसकी साफ सफाई हो रही है, इसको खाएंगे। हाँ देख लेते हैं दोस्तों हम लोग का कद्दू जो है पक गया कि नहीं, पकना ही चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ हो गया, तो मम्मी हो गया, हाँ हो जाएगा पूरा, ऐसे उंगली को ऐसे, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा पूरा, नरम हो गई है, हाँ नरम हो गई है मम्मी निकाल रही है, ये देखो ज्यादा ही नरम हो गई है क्या ये देखो, वाओ इसको ना थोड़ा ठंडा होने देंगे है ना ये देखो हो गया है, अभी हम लोग खाएंगे। हम तो पहले ही पपी खा चुका है, दीदी और मम्मी ने खा लिया, थोड़ा इसको पकड़ो इससे, बहुत टेस्टी होगा, अभी खाते हैं। मैंने पहले भी खाई, पकौड़ा खाया है बस, इसको कितना खाएंगे, ये रात को काम आएगा है ना, रात को खाएंगे टाइम पास के लिए। और लम्बो तो अभी भी सो रहा है वो, मीठा है बहुत, मजा है। दीदी ने और मम्मी ने तो एक एक टुकड़ा खा लिया पहले से है ना।
ये देखो एकदम गर्मा गर्म बहुत ही मीठा है, हम लोग तो खा ही रहे हैं। ये रात के लिए थोड़ा रखेंगे। हम लोग यहाँ पे अचार लगा के खा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ऐसे मिक्स करके खा रहे हैं क्योंकि ज्यादा मीठा है। हाँ, ज्यादा मीठा है, अचार के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो खाते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं, पूरा खाएंगे। पूरा फिनिश कर देंगे। ये देखो दोस्तों पूरा फिनिश कर दिया है, अचार के साथ ही फिनिश कर पाए हैं, है ना। और लेमो भी उठ गया है, देखो उसको खाने नहीं मिला है। फिनिश कर दिया। वो खाता ही नहीं पम्पकिन। तो टेस्टी है, बहुत टेस्टी था। हाँ, अचार के साथ इतना वो मीठा मीठा होता है ना, वो खट्टा खट्टा ऐसे होता है। पहले तो बिना अचार के साथ खाए थे, इतना मीठा था, बाप रे। फिर दीदी ने आइडिया किया है कि अचार से खाते हैं तब टेस्ट आएगा। तो फिनिश कर दिया है फाइनली। तो अब इसको फेंकना पड़ेगा, दूर फेंकना पड़ेगा। खा लिया है पम्पकिन दोस्तों, बहुत ही टेस्टी था। तो बहुत इजी है ये रेसिपी ही बोलेगा। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, हम लोग तो एकदम पेट भर के खाया है। तो अभी वीडियो को हम लोग एंड करेंगे, नहाना भी पड़ेगा, बारिश तो दे रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो अभी फटाफट नहा लेते हैं, फिर हम लोग का डिनर की तैयारी भी करनी पड़ेगी। डिनर अभी नहीं करेंगे, लेट से करेंगे आज, है ना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ।